अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जी वेलकम बैक टू एन अदर डे एन अदर ब्लॉग। अभी जब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट डे से, क्योंकि मैं बीच में गायब थी, थोड़ा बहुत पेंडिंग वर्क था वो कर रही थी। अभी जो है आज की अपडेट ये है कि अभी हम जा रहे हैं कराची आमना वालों के पास, आमना वालों से मिलने, आई मीन बहरे जा रहे हैं। तो बस ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी जो है बाल ट्राई करूँगी और कुछ खाऊँगी पीऊँगी एंड देन चलते हैं। बाकी की अपडेट्स जो है साथ साथ देते हैं। अभी थोड़ी बहुत पैकिंग भी रहती है मेरी एंड थोड़ा बहुत सामान भी। दिस इज आउटफिट डिटेल्स। ये मेरा हमेशा गंदा रहता है, ये फिर भी क्लीन। सो जी हमने सारा फुल जा रहे हैं, हम रचना अपने सामान लेते, सबको हाय बोले, हाय और बोलो हम चल रहे हैं। मम्मा तेरी फोन, चलो लेट्स गो, लेट्स गो। तो जी सफ़र है लंबा, मुझे रचना को लेनी थी चीज़ें, तो हम लोग यहाँ पे गए। यहाँ पे जो है मैंने सोचा कुछ ले लेते, थोड़ी बहुत चीज़ें कुरकुरे गिन करे। ये पैसे काउंट करिए कितने होंगे। कॉची बेबी भी चीज़ों के साथ जॉइन स्नैक्स ये करे रचना, परफेक्ट लेने के शौकीन है। खाया पिया हमने है नहीं, आ गए। ये देखो कैसे भागे भागे जा रही है, भागे भागे। हेलो अमना को हमने यहाँ पे पकड़ा, अमना हमारे लिए दुआ कीजिएगा। गाइस मेरे अबू मुझे बहुत डांटते हैं, गाइस सब आप इनको बोलें, ये फजूल में मुझे डांटते हैं ये शख्स। नहीं ये खाना चाह रही है और अमना इसको दे नहीं रही। ये देखिए गाइस मिनसा कैसे चाय पी रही है, ये भी हमारी तरह चाय की शौकीन हो गई है। और आमना ने ना इसको बिल्कुल चाय का मवाली बना दिया, मतलब चाय पी के ये चस आ जाती है। हमारी आमना खाना खा रही है और हमारी मिनसा को खिला रही है। हाय मिनसा, मिनसा जान हाय करो, से हाय। शी सो रूड, नो इसकी तबीयत खराब। हाँ एक्चुअली तबीयत सही नहीं है, हमारी सोनी जानू की हमारे बच्चे को नजर लग जाती है। और ये हमारी आमना, आमना आपको हमसे मिलके कैसा लगा? पुराना आपने हमें मिस नहीं किया? यस किया। और ये ऊपर ये हम लाए हैं सारा सामान गाइस, इनका घर बड़ा सेट रहा। रश्नु आमना आप हमारे दोस्तों को कुछ बोलना चाहेंगी? हमारे सारे फ्रेंड्स ने आपको बड़ा याद किया। ये बोलना चाहूंगी कि 2 मिनट वेट करो, मैं खाना खाने खाते वक्त ना बात नहीं करते। अच्छा खा लो, बिस्मिल्लाह करो। और रश्ना आपको यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और रचना तुम और मैं तो अकेले होते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, यहाँ के हम दोनों को तो बड़ा अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मुझे तो मेरे एग्जाम्स थे एक्चुअली, मैं बिजी थी इसलिए। हाँ गाइस मैं अकेले रूम में पड़ी रहती थी, अकेले अकेले टूटे मकान, मेरे जहन में ये सॉन्ग्स चलते थे गाइस। मुझे कोई दिखा नहीं सकता वरना मैं तुम लोगों को अपनी फीलिंग दिखाती, इसीलिए मेरी मिनसा जान सिर्फ मुझसे बात करती थी। गाइस मैं अकेले रूम में पड़ी रहती थी, कोई मुझसे बात नहीं करता था। और गाइस मैं अकेले रूम में पड़ी रहती थी, कोई नहीं होता था, तो सारा दिन मैं वो लड़की जिसने कभी नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखा ही नहीं, और मैं पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखती थी, डिप्रेशन में पड़ी रहती थी, अकेले खुद से खुद ही बातें करती थी, बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू विथ। ये लड़की वो है जो सबको इग्नोर करती है, फिर कहती है कोई तो मेरा अपना कोई तो सब मुझे इग्नोर करते थे, आई वांटेड टू टॉक टू देम, कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, इसीलिए मैं खुद से बातें करूंगी अपने से सारी। एक्चुअली मैं बिजी थी और मैं अपने नेटवर्क बस। ओके अमना है कि पप्पा मुझसे बात करो, अपना कैमरा रखो। ओके ओके जान यहाँ पे ये मजा है खा पी के, हम जा रहे नीचे वॉक करने। अभी हम जा रहे नीचे वॉक करने, खा पी ना यार सबीना, हम सबीना का वेट कर रहे थे और ये लड़की चली गई, आमना भी नीचे चली गई। यार ये लड़कियां भी ना
अजीब औरत, अजीब कुवत लगी पड़ी है आज। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस इसको नाटक का शौक है। आ गए जी गोडाउन पे लोर, हम यहाँ आए हैं वॉक करने। कुछ कह रही हमने, क्या कह रही हो? और नाउ इट्स फाइन आमना। यार ये लाइटिंग की कमी है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इस तरह से आ रहा है। और बाकी वो दो लूमड़ियाँ भी आ रही हैं पीछे स्लोली स्लोली। लूमड़ियों से याद है कि लूमड़ी ना मिल जाए यहाँ पे, अल्लाह ना करे। हम किधर गए? कौन से भैया? भैया ये किधर गए यहाँ पे? भैया यहाँ आए थे क्या? किधर है? अच्छा वो क्या कहोगे उन्हें आप भैया को? कि भैया ने क्या उठाया? इसको मार दिए, इसको वो ऐसे कर दिया, ऐसे 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 मारा भैया को जी? भैया ने इसको मारा, तो आप भैया को मारोगी? नहीं। तो फिर ये उससे चप्पल मारेंगे। चप्पल मारोगे उसको? ओके हाय करो, हाय कर लो। हाय आप भी करो। हाय केरल के हम जा रहे हैं घर। ये सब मेरे फ्रेंड की रीजन यही है कि तो मैं खुद को ना दिखाऊं। क्या चाहते हो सिर्फ तुम लोगों को दिखाऊं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हो गया जी नेक्स्ट डे और मेरे दिल से अंदर से आवाज आ रही थी ये क्या है जी धूप धूप। गुड मॉर्निंग बी लाइक मिंसा मिंसा जन गुड मॉर्निंग माशाल्लाह। आओ पोपो दिया, आओ आओ। देखिए अब हमारी मिंसा कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। हैप्पी 7 मंथ्स मिंसा, 7 8 8 8 मंथ। हैप्पी 8 मंथ मैं जानू। ये देखें ददो खिड़की मच्छी में और अपना कांटा ना हो। दादा खा गया मिंचो को? हाँ के हम बाहर आए हैं और मिंसा ने मार दिया टक्कर, हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो गया मिंसा जान, आज ही फीलिंग वेल। इसके लिए दुआ खोली, मेरे बच्चों को बोली नजर लगती है मिंसा जान, नजर लगती है ना। और ये देख रही है अब कौन सी पप्पो पे अटैक करूँ मिंसा। अब ये जाएगी अपनी फेवरेट पप्पो के पास और आमना यहाँ पे कुछ बना रही है और यहाँ ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं सबीना। मैं दिख लाऊंगी, ये अपनी वीडियो बना रही है। जाएंगे गाइस को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, इसको इसको नहीं कीजिएगा। खा वो रहती किनारों पे चमकीली चीजों पे क्या मरेगी जो खुली सितारों में। सितारे देखे इसके, यहाँ से ये उड़ रहे हैं सितारे। दिन इस तरह से गुजरते हैं, मेरी कोई वीडियो बना नहीं रहा तो इसीलिए मैं अपनी खुद ही बना रही हूँ। मौसम बड़ा अच्छा है, हवा ताज़ी ताज़ी, इनसे जल्द से इंजॉय। हाँ आ शिकर यस आई एम इंजॉइंग। अब क्या करें यहाँ पे, वैसे बहरिया में सुकून तो अच्छा तो है, वैसे बोरिंग बहुत है। लाइक हम जैसे लोग जिनको आदत है कराची के शोर की, हैदराबाद के शोर की, और तो ये जो थोड़ा अकेला अकेलापन हमें लग। सो आर यू गाइस एग्री और नॉट मुझे ज़रूर बताइएगा। हम जो शोर की आदि होते हैं ना, तो हम लोगों को यहाँ पे जो है थोड़ा कम मज़ा आता है। कम मज़ा मतलब इस तरह से आता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा अकेला अकेलापन लगता है, वही बस फैमिली आपस में। और क्या मुझे जान एले लेक मुझे जोशु सिंह या पप्पो या इसके बाद चुनिया शुनिया ले लो। यहाँ पे भी हमारी शाम की चाय बन रही है। यस बना रही है हमारी भाभी जॉन। यस गाड़ी गाड़ी
भाभी वैसे मुझे मामा कहती थी कि ये भाभी की तरह चाय बना के दो मुझे इस तरह गाज वाली गज वाली, मतलब अम्मा को मेरी हाथ की चाय अच्छी लगती है ना। एग्जैक्टली अम्मी को, रशी को, सबको। भाई के लिए मिठाई। हाय हाय, मेरे भाई को ऐसी खूबसूरत बीवी मिलेगी कहीं। फिर भी कतई नहीं तू कैमरा बंद कर, तू कैमरा बंद कर। हमने अपने में मिस किया था, ऐसी लड़कियां होती हैं भाभी। क्या कह रही थी? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया भाई, तुम्हें सच्ची सच्ची वाला। मैंने भी आपको सबसे बड़ा मिस किया। ये काम की नहीं है ये जो हम भाभी, ये क्या कह रही है मुंह पे झूठ? मैंने एक बात बोलूं, जितना तुमने मुझे कंपनी दी थी ना, इसने मुझे बोर कर दिया था लिटरली। एक बार लव यू अम्मा, रीमा तुम बोर हो। भाभी यू बस यू चेंज पार्टी, यू चेंज। क्या करें, कुछ करना पड़ता, कुछ क्या पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और ना वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पड़ता है, सुना तो नहीं? रीमा तो मेरे बाप हो। इधर देख शीरी, तेरे कपड़े मैंने मंगवाए हैं चीनी यार, हम सीधी है ना, मेरे तेरे मेरे चलते आपके लिए। रीमा इसकी आज मेरे बोला इसकी आजकल बड़ी लेट चल रही है, तुम इसके लिए अलग ड्रेस लेकर आई हो, मैंने इसको अलग ड्रेस ईद के अलग लेकर दिया है और इसके लिए अलग ड्रेसेस। अम्मी ने भी अलग मंगवाए, इतनी लेट चीनी की, उसका डिट आ गया भाभी फिर से, इतनी लेस चीनी की। ये फिर भी ये कहती है कि कभी गुरूर नहीं किया। सुनो फिर भी कहती है सच्चा प्यार नहीं मिला तुम्हारे, बस सच्चे प्यार की कमी है। और वो जो हम आपको देते रहते हैं वो भाई है, भाभी है, बहने हैं, बाप है, माँ है, फिर भी अच्छी फैमिली नहीं मिली। अच्छी फैमिली नहीं मिली यार, इसको सच्चा प्यार इसने मोबाइल ले, हाँ मोबाइल ले। भाभी हम उसको दिलाएंगे, ओके देखते हैं क्या कंटेंट क्रिएट करती है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि इसको ना अच्छी सी मोबाइल लेकर देनी है। Exactly. सबके पास अच्छी है, इसके पास। भाभी मैं आपका यूं करी, अब मोटी आ रही, यू 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 फ्रेम ही नहीं बन रहा मेरा, बाल खोलो सुनी बनो बस। चलो ठीक है, अभी मैं जा रही नीचे, नीचे जो है मेरी फ्रेंड आई हुई है, वो मुझसे मिलना चाहती है। और उसके अलावा सभी ने नीचे से मुझे कॉल की तो मैं वहाँ जा रही हूँ, सुनना चाहती हूँ। अजान भी आ गई यार, मैं इतना लेट आई, कॉल करी तो मैंने, कॉल करती तो मेरे पास मिनशो गई। yes. चलो वो चली गई, हम लेट आए। चलो अरे अभी चल के नमाज पढ़ के आते हैं फिर। चलो अब लेट हो गए हम, तो बाद में आएंगे। नीचे जाते ही सो गई मिनसो को, ना नीचे घूम कर मजा आता है क्यों सभी ना, घर आते उठ गई। आज हमने ब्लॉग बनाया है तो चले जी ये ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। ये था जो भी था दो दिनों का ब्लॉग, और मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।